जय श्री राम। तो दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम गेहूँ काटने के लिए जा रहे हैं, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो हमारे साथ रणवीर तिवारी भी आए हुए हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो वो भी अपना वीडियो बनाएंगे साथ साथ। तो ये देखो पीछे बच्चे, क्या नाम है तो आपका? सिवनिया। धम्मो और सिवनिया। तो दोस्तों ये हमारे कमरे देख सकते हो, हमने वो पुराना गांव हमारा छोड़ दिया और न्यू गांव में आए, तो ये सोने के लिए बैठने के लिए कमरा देख सकते हो। तो दोस्तों ये रणवीर तिवारी की बाइक यहाँ पर खड़ी की हुई है, क्योंकि हम जाने वाले हैं गेहूँ काटने के लिए, तो वो भी साथ है। और ये कमरा, इसमें हम बैठते भी हैं और टीवी भी वगैरह देखते हैं, तो देख सकते हो। और ये चारपाई पड़ी हुई है, और ये हमारी गाय छांव में बांध के जा रहे हैं, पीछे गर्मी हो जाती है, धूप पड़ जाती है, और ये उसका बछड़ा। और दोस्तों यहाँ पर हम खाना पकाते हैं, देख सकते हो चूल्हे वगैरह। तो भाई खड़े हुए हैं, मिलाते हैं आप लोगों को इनसे। जय श्री राम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम, यानी कि आज जो है वो हम प्रेम सागर भाई के पास आए हुए हैं, और इनके घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यानी कि इनसे मिलने आता रहता हूँ, तो आप लोग भाई को भी सपोर्ट करो, क्योंकि इनका चैनल जो अभी न्यू है और साथ भी मतलब इतना ग्रो नहीं हो रहा, तो आप लोग इसे सपोर्ट करो ताकि ये आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहे। और अभी हम चलते हैं, ये ना खेती का कुछ काम कर रहे हैं, तो गेहूँ काट रहे हो ना? हाँ गेहूँ काट। तो वहीं पे चलते हैं और वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से। तो चलो चलते हैं। और जय श्री राम भाई, कैसे हो? ठीक। मेरा भी भैया यूट्यूब का चैनल है, तो भैया सागर भैया का मैं भी भाई हूँ। तो दोस्तों दानिश शर्मा। तो भैया जय श्री राम। तो मेरा भी यूट्यूब का चैनल है, मेरा नाम दानियाल शर्मा व्लॉग्स है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं गंदम की कटाई पे, तो वो कुछ दूर है इसलिए रिक्शे पे जा रहे हैं, तो मेरे पापा मॉम मेरे सिस्टर वगैरह सब भी साथ में, तो देख सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमने कुछ सब्जी लगाई हुई थी, और ये हैंड पंप मेरे पापा पानी लगा रहे हैं, तो अभी जाने वाले हैं हम भी। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और देख सकते हो ये गेहूँ काटने वाली है, और वहाँ पर मशीन लगी हुई है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये रिक्शा हमने खड़ा किया है, देख सकते हो रिक्शे पे आए थे, क्योंकि कुछ दूर लगता है इसलिए। तो ये दानिश शर्मा गेहूँ को डाल रहे हैं रस्सियों के अंदर, और फिर इन्हें बांधेंगे, देख सकते हो। तो दोस्तों अंबरसा की रस्सियाँ बना रहे हैं जिसके अंदर डालेंगे, और देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बकरियां जा रही हैं। ये बंडल डाल रहे हैं अब मैं, तो ये मैंने डाले। तो दोस्तों हमने बंडल बना लिए थे, अब उठाने का टाइम आ चुका है, तो देख सकते हो अभी उठा रहे हैं, तो हम मैं भी जाता हूँ, चलो उठाता हूँ। तो बंडलों को एक जगह पे साथ करेंगे, और फिर हमारा काम ख़त्म, फिर घर चले जाएंगे। Travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why.
पानी पीने के लिए आए तो देख सकते कूलर भी साथ है लेके आए थे। और थक चुके थे दोपहर के, अभी टाइम हो चुका है 12:20, तो 12:22 हो चुके हैं, 22 मिनट हो चुके हैं, तो इस पे टाइम भी देख सकते हो आप लोग। तो अभी ये भाई गाना सुनाने वाला है, मैं आ चुका हूँ, अब मैं गाना सुनाने वाला हूँ, अच्छा सा सुना। बस आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है और इन सब लोगों को मतलब सपोर्ट करना है, इन सब के चैनल लेना। दोस्तों देख सकते हैं हम भी अभी घर पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।